हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अली। आप देख रहे हैं अली फिटनेस। और आज हमने बात करनी है दोस्तों, क्योंकि अब पहले मॉल्स, फिर पिकनिक प्लेसेस, उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और अब फाइनली जिम्स भी बंद हो चुके हैं हर जगह थ्रू अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हमें बात ये रखनी है कि काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि घर पर किस तरह वर्कआउट करना है, क्या करें, क्या हम घर में करें। देखें, अगर तो आप नॉर्मल एक सिर्फ फिटनेस लवर हैं तो आप कह लें कि सिंपल अपने वेट के साथ भी कर सकते हैं, आपको कोई इक्विपमेंट बाय नहीं करना पड़ेगा। आप पुशअप लगा सकते हैं, आप चिन अप लगा सकते हैं, आप पुल अप लगा सकते हैं, ट्राइसेप के डिप्स कर सकते हैं, चेस्ट के डिप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको अपना बॉडी वेट उठाना पड़ता है। अगर आप मेरी तरह एक जिम फ्रीक हैं, आपको वेट्स चाहिए ही चाहिए और आप कहते हैं कि मेरे इनके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर आपको वेट्स थोड़े से बाय करने पड़ेंगे। बेसिक इक्विपमेंट क्या क्या बाय करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स इकट्ठी कर ली हैं, जिसमें 15 का पेयर है मेरे पास, 10 का पेयर है, 5 का है और 2.5 का है। ठीक है, उसके बाद मैंने दो रॉड लिए हैं और एक पेयर मेरे पास डंबल रॉड्स का है, जो छोटे रॉड होते हैं। एक मैंने मल्टीपर्पज़ बेंच लिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो इंक्लाइन भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, इस तरह आपको एक बेंच चाहिए होगा। ये स्टिल अभी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हैं, सिर्फ आपको एक आपको बेंच प्रेस चाहिए जो इंक्लाइन डिक्लाइन सब हो जाए, और एक आपको इस तरह के डंबल्स चाहिए, प्लेट्स आपको चाहिए जो इनमें वेट अटैच और डिटैच दोनों हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के रॉड, ये देखें, डंबल रॉड चाहिए आपको, और आपके पास डिफरेंट पेयर होने चाहिए वेट्स के। ठीक है, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने जो आपने वेरिएशन करनी है वेट में, क्योंकि आप एक ही वेट से सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बेंच प्रेस में आप डिफरेंट लगाते होंगे और हर एक्सरसाइज में आप डिफरेंट करते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, ये इक्विपमेंट आपको चाहिए, सिर्फ बेसिक्स है और अभी मैंने काफ़ी लिया हुआ था। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने एक डंबल रॉड और उसके बाद आपने डिफरेंट वेरिएशन रखनी है अपनी प्लेट्स की। अब लेट से आपने सारी एक ही वेट नहीं ले लेने, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही वेट से सारी एक्सरसाइज करो। बेंच पे आप डिफरेंट करोगे, आप जो आपकी शोल्डर प्रेस है उस पर डिफरेंट करोगे, बाइसेप्स के लिए डिफरेंट होगा। तो मेक श्योर आपने पहले, सबसे पहला काम जो आप पे ये है कि आपने वेट सेट करना है कि भाई मेरा टोटल वेट कितना मुझे चाहिए। मैं अपनी एग्जाम्पल करूँ तो मेरा जो था, इट्स अराउंड 80 to 90 kg, जिसमें मेरे स्क्वाट्स भी होने थे, जिसमें मेरी चेस्ट की भी होनी थी, जिसमें मेरे हर चीज़, मतलब मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने उतना वेट लिया। और फिर मैंने एक चीज़ आपने ये रखनी है कि आपने वेट को थोड़ा सा ये नहीं रखना कि सारी ही 10 kg उठा लिए या सारी ही 15 kg, उसमें थोड़ी वेरिएशन रखें। बेशक आप 20 kg की सिर्फ दो रखें, 15 की आप ज़्यादा रखें, फिर आप 5 की ज़्यादा रखें, क्योंकि 5 आप ज़्यादा रखेंगे तो आप 5 और 15 को मिला के 15 की प्लेट बना सकते हो। आप 25 करना हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 25 की एक प्लेट लो, आप 20 और 5 को कंबाइन कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वेरिएशन उसमें काफ़ी ऐड कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी लोग जिम का इक्विपमेंट लेने जाते हैं, उनसे गलती बहुत ज़्यादा होती है कि जब भी आप किसी भी जिम शॉप में जाओगे, वहाँ पर आपको दो कैटेगरीज मिलेंगी जिम इक्विपमेंट की। ठीक है, एक होती है कमर्शियल कैटेगरी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, आप तो देख के ही वापस आ जाओगे, छोड़ो, रहने देते हैं। और एक होती है आपकी होम यूज़, या उसको लोकल कह लें। ठीक है, उससे क्या होता है फ्रेंड्स के चीज़ सेम है, लेकिन कमर्शियल और जो लोकल चीज़ में दो चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। कमर्शियल में पहली बात तो है कि ज़्यादातर आपको ब्रांड्स मिलते हैं, कमर्शियल की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली लोकल से। ठीक है, आपको लोकल चीज़ जो है, मतलब क्वालिटी का फ़र्क मतलब इतना है कि होम यूज़ में आप एक दो लोग जो आपके दोस्त हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं यूज़ कर लेते हैं तो उसको कुछ नहीं होगा। कमर्शियल का ये है कि जिम में आपको पता है 100-100 बंदा आता है, उसने यूज़ करना होता है, तो इसलिए वो थोड़े हैवी ड्यूटी होते हैं, आप ये कह लें। ठीक है, ऑलवेज़ आपने एक बात याद रखनी कि लेना आपने लोकल है, कमर्शियल ना लीजिएगा, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। जितनी चीज़ें आप लोकल में ले सकते हैं उतनी तो कमर्शियल में सिर्फ हार्डली एक या दो आएंगी। ठीक है, तो पैसे सेव रखें, थोड़ा सा स्मार्ट खेलें कि आपको किस तरह से चीज़ों को बाय रखना है, अपना बजट के हिसाब से कितना आपको वेट चाहिए, आपने सारा कैलकुलेट करना है कि मैं इतनी एक्सरसाइज में इतना वेट लगाता हूँ, तो इतनी एक्सरसाइज में इतना लगाता हूँ, तो कितना मुझे टोटल वेट चाहिए होगा। ये सब तो हो गया कि किस तरह से आपने सामान लेना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपने सिर्फ इसी इक्विपमेंट के साथ आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। मैंने इस पर एक पहले वीडियो की थी, बहुत से लोगों का शायद बहुत से लोगों ने ना देखी, और बहुत से लोग जिन्होंने देखी है उन्होंने शायद दोबारा रिक्वेस्ट आई, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी
ये सिर्फ बेसिक इक्विपमेंट से घर में एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या साइड में भी दे दूंगा एंड में, और उस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए कि घर में वर्कआउट किस तरह कर सकते हैं बेसिक इक्विपमेंट के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक लास्ट में देखिएगा, मैं उसमें लिंक डाल दूंगा। आप ट्रस्ट मी गाइस, एक्सपेंसिव बहुत होती जा रही हैं चीज़ें, जल्दी से जल्दी चीज़ें लें, जैसे सैनिटाइजर्स महंगे हो चुके हैं, फेस मास्क महंगे हो चुके हैं, तो अब इसी तरह जिम के इक्विपमेंट भी महंगे हो रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि क्यों ना इस चीज़ को एक्सपेंसिव कर लें जिस चीज़ को हाइक मिल जाती है। तो कोशिश करें एक तो लोकल लें और जल्दी लें, क्योंकि अब रेट्स जो जिस चीज़ का रेट बनता भी नहीं है कुछ, वो भी चीज़ इतनी आपको महंगी मिलेगी कि आप कहेंगे कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, इस कोरोना को हमने सब ने, मैंने और ये आपका सिर्फ काम ही, हम सब ने मिलकर इकट्ठे होकर इसका इससे जंग करनी है। और हमारी हर एक की जिम्मेदारी है कि हमने घरों में रहना है, हमने बाहर नहीं निकलना, हमने अपना ख्याल रखना है, हमने बाकी सबका ख्याल रखना है। जिस तरह से चाइना बाहर आ चुका है कोरोना से, हम भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें थोड़ी सी अपने एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, एक विलिंग बनानी पड़ेगी कि नहीं यार हमें भी इससे जंग लड़नी है। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ और घर पर रहें। थैंक यू सो मच। Thank you.